तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं शुक्ला जी के पास गया। मैंने कहा सर मैं वापस जा रहा हूँ। ये घबरा क्या 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 हुआ क्या बेटा बता देते हुआ क्या। मैंने कहा जी उसने मुझे मारा गोरी ने, क्योंकि BCCI के जो मैनेजर आता है उनके हाथ में बहुत पावर है, किसी का भी कुछ भी करियर खराब कर सकता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हम फाइनल जीत नहीं पाए, बट वहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग हाल ही में दिल्ली में हुए पिच साइड माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट के बुक लॉन्च पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई सारे अपने क्रिकेट से जुड़े किस्से भी शेयर किए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पहली बार ओपनिंग कब की और उन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करने का मौका कैसे मिला, इस पर उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। डाउन किया एज ओपनर से नंबर 3 और मैंने और सचिन ने ओपनिंग शुरू की और उसके बाद से हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। 50-60 रन की हर मैच में होती रही और हम लोग फाइनल तक क्वालिफाई किए। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हम फाइनल जीत नहीं पाए, बट वहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। तो सुना आपने, साथ ही जब वीरेंद्र सहवाग से जॉन राइट और उनके बीच हुए विवाद पर पूछा गया तो इस पर उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। 2002 में ये मैनेजर बन गए तो इनके साथ राजीव शुक्ला जी आए थे, तो पहली बार हमने देखे थे। हाँ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। तो जब वो दोनों अंदर घुसे तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि चाचा चौधरी और एक साबू। तो चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वो उनके साथ घंटों बैठ के हमें नहीं पता चलता था कि हम लोग यहाँ सीरियस क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन ड्रेसिंग रूम में भी। अरे ये गोरा क्या करेगा, मैंने कहा बैठे रहो भी दिख जाएगा क्या करेगा। तो अमृत माथुर जी उनको एक्सप्लेन करते थे क्रिकेट के बारे में, बट नाउ इज एक्सपर्ट ऑन क्रिकेट, सो ही बिकेम नो वाइस प्रेजिडेंट फॉर सो मेनी ईयर्स और हेल्पिंग UPCA। और वो जोड़ी जो है वो हमें दोबारा कभी मिली नहीं, चाचा चौधरी और साहबों वाली, किसी भी ऑटो के। सो दैट वॉज माई फर्स्ट रिएक्शन अमृत जी को देखकर, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे समझदार थे और आकर बड़े प्यार से समझाते थे। अगर गुस्सा भी कर रहे तो प्यार से गुस्सा करते थे, तो ऐसा लगता था कि वो अपना ही डांट रहा है। पूरा मतलब लपा मार के, अगर मतलब गावस्कर मेरे कप्तान होते तो मैं शायद खेलता ही ना, तो मैं इतनी बार हवा में मार के होगा। तो जॉन राइट आए कि 200 रन बनाने हैं, मैं टेन यू हैव टू जस्ट प्ले जस्ट बैट 40 ओवर्स एंड यू नो स्कोर योर ऑन 50, आई डोंट वांट टू लूज यू। तो मैं तब इतनी अंग्रेजी समझता नहीं था, तो मुझे लगा लूज, मैंने कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं शुक्ला जी के पास गया। मैंने कहा सर मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये घबरा क्या 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 हुआ क्या बेटा बता देते हुआ। मैंने कहा जी उसने मुझे मारा गोरे ने, वो गोरा तुम जाके बात करो। फिर अमृत जी सब इकट्ठे हो गए, तो वो जॉन राइट उनको समझाने लगा कि नहीं नहीं मैंने मारा नहीं, मैंने जस्ट पुश किया बिकॉज आई वांट वीरू टू स्कोर रन्स एंड ऑल दैट। तो वो गुस्सा था, तो मैं माना नहीं। तो मेरे साथ मैनेजर शुक्ला जी थे, पावरफुल आदमी थे, क्योंकि BCCI के जो मैनेजर आता है उनके हाथ में बहुत पावर होती है, किसी का भी कुछ भी करियर खराब कर सकते हैं। वो तो शोर था, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार हो, ये इतनी पावर उनके पास थी। तो वीरेंद्र सहवाग अपने ही तरीके से बात रखने के लिए जाने जाते हैं, जहां आपको बता दें कि वो हाल ही में बुक लॉन्च पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने क्रिकेट से जुड़े अपने इस यादगार किस्से को शेयर किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।